डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि आपके पास मल्टीमीडिया क्या होती है। मल्टीमीडिया की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने देखा, और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने मल्टीमीडिया को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो अगर जनरल आइडिया लिया जाए तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपके पास मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें उसका यूज़र, उसका इंटरेक्ट करने वाले लोग जो हैं वो उससे इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, वो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम कराते हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे देखने लगे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग क्या है कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज की पब्लिकेशन देखते हैं जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसमें आपको टेक्स्ट भी नज़र आता है, उस न्यूज़पेपर के अंदर आपको वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल होते हैं, बाज़ आपको वीडियो प्लेयर भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप डायरेक्टली वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं, आपको डिफरेंट ग्राफिकल डाटा भी मिल रहा होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपके पास एक मल्टीमीडिया की वो प्रोडक्ट है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग कहलाती है, वो आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। इसके अलावा आप डिफरेंट मैगजीन वगैरह देखें तो वो मैगजीन भी आपके पास जो हैं वो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का ही पार्ट कहलाएंगे। तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की जो मैगजीन है उसमें क्या होगा कि आपके प्रॉपर जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में आपके पास जो है मैगजीन होंगे, उसके अंदर आपको डिफरेंट टेक्स्ट, आपको डिफरेंट इमेजेस आपको वहाँ पे मिलेंगे, इवन वहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक्स मिलते हैं जिससे आप जो है वो पेजेस के अंदर मूव भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र उसके डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। उसमें डॉक्टर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है, फिर किसी पेशेंट के रिलेटेड वो डायग्नोस्टिक वगैरह जो है उसमें प्लेस करता है, फिर कोई पेशेंट है वो अपने मुतालिक जो भी उसकी हिस्ट्री है उसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा वो डॉक्टर से जो है वो अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकता है, फिर उसकी जो पेमेंट वगैरह बिलिंग वगैरह का मैकेनिज्म है वो उसको यूज़ कर सकता है। तो ये एक बहुत ही वास्ट किस्म का एरिया है आपके हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट इमेजेस का इस्तेमाल कर रही है, डिफरेंट टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रही है, डिफरेंट वीडियोस का इस्तेमाल कर रही है कि टेक्स्ट में आप जो है वो अपने जो भी रिपोर्ट है वो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में नज़र आ रहा है, साथ में अगर आपने कोई स्कैनिंग वगैरह करा रही है तो उसकी इमेजेस वगैरह आपको नज़र आती हैं, और अगर आपने किसी किस्म का जो है वो ऑपरेशन वगैरह करवाया तो ऑपरेशन की वीडियोस वगैरह भी आपको उसमें लिंक में आपकी होती हैं, ताकि वो इन द केस ऑफ रेफरेंस ऑफ मेडिकल इश्यूज जो है उनको जो है वो डिस्कस किया जा सके या उनको रेफर किया जा सके। तो ये आपके पास जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में शामिल है। इसके अलावा आपकी अब काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मिक्स रियलिटी सर्जरी पे हो रहा है कि एक डॉक्टर जो है वो किसी एक लोकेशन से रहते हुए किसी दूसरी लोकेशन पे होने वाले ऑपरेशन को मॉनिटर कर सकता है, उसके सर्जरी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसमें जो टीम है जो कि सर्जरी परफॉर्म कर रही है उसको गाइड कर सकता है। तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है जो कि आपके पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इस पर जो है डॉक्टर जो है उसको पेशेंट जो है वो ऐसे नज़र आता है जैसे उसके सामने है, बज़ाहिर तो डॉक्टर जो है उसको छू नहीं सकता, लेकिन वो अपने कोलीग्स को जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके जो है निगरानी कर सकता है, साथ में उनको गाइड कर सकता है कि उसमें कैसे स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो इस तरीके से आपके पास मिक्स रियलिटी के यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमारे पास अगला हम जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने देखना है नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेविगेशन कहते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन वगैरह को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, जैसे कि आपके पास गूगल मैप है या आपके पास जो डिफरेंट और एप्लीकेशन हैं जो कि यूज़ करती हैं
मिसाल के तौर पे क्रीम का अपना मैप है, उसमें आप जो है वो नेविगेशन देते हैं कि आपका जो बाइकर है या आपका जो भी राइड राइड देने वाला है वो कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँचा, या इसी तरीके से जो कोई राइडर है तो वो फाइंड आउट कर लेता है कि आपका जो कस्टमर है वो किस जगह पर है। तो इस वजह से आपके पास नेविगेशन सिस्टम के अंदर भी आपके पास मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया का काम यह है कि आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करना है। तो अगर आप नेविगेशन में देखें तो नेविगेशन के अंदर आप जो है वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी देख रहे होते हैं, बास के अंदर आपको ऑडियो के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन भी होती है कि आपने क्या करना है, किस जगह पे मुड़ना है, टर्न कहाँ लेना है, और इसके अलावा आप जो है उसके अंदर ग्राफिकल व्यू देख रहे होते हैं, पूरा मैप देख रहे होते हैं। तो उस तरह से डिफरेंट आपके मीडिया कंबाइन होते हैं, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया प्रोडक्ट की। अब ज़रा हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यूज़ियम की। अब म्यूज़ियम में आप को वर्चुअल म्यूज़ियम का एक कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए किसी भी म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट जो है चीज़ों को व्यू कर लेते हैं। उसमें आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट नज़र आता है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है वो फिजिकल जो आपकी म्यूज़ियम के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनको वहाँ पे डिजिटाइज करके वहाँ पे उसको रख लेते हैं। तो उससे आपके पास एक कंप्लीट म्यूज़ियम जो है वो आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में मिल जाता है। तो ये इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट वर्चुअल टूर आपको म्यूज़ियम के मिलते हैं, जिसमें आप डिफरेंट म्यूज़ियम को जो है वो अपने सिस्टम पे ही बैठे बैठे विजिट कर लेते हैं, और आपको जो है म्यूज़ियम के अंदर की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उसको आप व्यू कर लेते हैं। तो ये भी एक आपके पास एग्जाम्पल है जो कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन में कंसिडर होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिमोट रिप्रेजेंटेशन। कि आप जो है एक ऐसी लोकेशन को विजिट करते हैं जहाँ पे आपने फिजिकली तो विजिट नहीं करे, लेकिन आप जो है वहाँ पे इंटरेक्ट कर लेते हैं, वो आपका जो है वो रिमोट रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी एग्जांपल अगर आप हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए आपने अमेरिका के किसी सिस्टम को एक्सेस करना है। आप जब आपने उसको सिस्टम को एक्सेस करना है, तो उसको सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें एक आपके कंट्रोल ग्राफिक्स मौजूद हैं, ये कंट्रोल ग्राफ्स मौजूद हैं जिसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट सर्वर्स नज़र आ रहे हैं। आप उन सर्वर्स को जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करके आप पर्टिकुलर सर्वर को ओपन कर लेते हैं। अगरचे वो सर्वर जो है वो आपके पास अमेरिका में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो स्क्रीन्स हैं, उसकी जो विजुलाइजेशन है, वो आपको सारे के सारे आपको अपने मॉनिटर पे नज़र आ जाती है। तो चूंकि ये भी आपका जो है वो ग्राफिक्स को और आपके डिफरेंट वीडियो को जो कि लाइव वीडियो चलाती हैं उनको यूज़ कर रहा होता है, तो इसको हम रिमोट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और ये भी आपका मल्टीमीडिया की एक एप्लीकेशन कंसिडर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन की। कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसमें डिफरेंट होस्ट जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, और उसमें वीडियो के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं, साथ में ऑडियो की भी जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है, और उसके अंदर जो है जो प्रेजेंटर है वो डिफरेंट ग्राफिकल या स्लाइड्स वगैरह को भी शो कर रहा होता है। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन जो हैं वो भी आपके पास मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में शामिल होती हैं। फिर हम यहाँ पे एक और बहुत वास्टली यूज होने वाला एरिया डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग के अंदर जो है वो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे टूल आपके पास ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आप डिफरेंट डिस्टेंस लर्निंग की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और उन एप्लीकेशन में ये होता है कि आपके जो लेक्चरर है उसको भी आप व्यू कर रहे होते हैं, उसकी भी एक जो है पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आपको उसकी पिक्चर वगैरह नज़र आ रही होती है, आप उसकी वॉइस भी सुन रहे होते हैं, साथ में वो जो इंस्ट्रक्टर है जो एक्टिविटी अपने डेस्कटॉप पे कर रहा होता है वो डेस्कटॉप की एक्टिविटी को भी आप विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक टीचर अपने पर्टिकुलर लोकेशन से दुनिया के डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स को जो है वो टीच कर रहा होता है। तो ये आपके पास जो
वे है जिसमें टीचर अपनी वीडियो भी शेयर कर रहा है, अपने ग्राफिकल जो है स्क्रीन भी शो कर रहा है, स्लाइड्स भी शो कर रहा है, साथ में ऑडियो को भी जो है वो डिलीवर कर रहा है। तो इस तरह की जो आपके पास एप्लीकेशन है जो कि टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी आपके पास मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में शामिल होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो है वो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन देखी हैं, तो अब इसके बाद जो बाकी के जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।